हमीरपुर जनपद के राठ और गोहांड में भी पांचवें दिन भी जारी रहा कोटेदारों की हड़ताल। आपको बता दें कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीते पाँच दिन से कोटेदार की हड़ताल व धरना मंडी परिसर में चल रहा है। धरने के पाँचवें दिन मंगलवार को कोटेदारों ने जमकर नारेबाजी की। चेतावनी दी है कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक अनिश्चितकालीन खाद्यान्न उठान पर बैठ नहीं। हम लोगों के ऊपर प्रशासन खाद्यान्न उठाने के लिए दबाव बना रहा है। किस तरह से आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बनाया जा रहा है कि कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? अब उनकी जो भी कार्रवाई इनके समझ में आती है वो दबाव बना रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, नहीं माल उठाइए और आपकी समस्याओं का निदान हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई लिखा पढ़ी हमारे सामने नहीं दी जा रही है और ना ही कोई इस तरह का लिखित में आश्वासन दिया जा रहा है। जबानी ये बात कही जा रही है कि आपके पक्ष में कोई बात चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि जब तक लिखित आपको दिया जाए तभी ये हड़ताल खत्म की जाएगी? हमको जब तक लिखित नहीं मिलेगा कोई चीज़, जब तक हम या ऊपर के हमारे जो संगठन के नेता हैं जब तक वो नहीं हमारे लिए ख़त्म करने के लिए कहेंगे, जब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। और एक मैसेज भेजा है DSO साहब ने कि हमारी जिलाध्यक्ष से बात हो गई है कि खाद्यान्न उठाया जाए, जबकि ये निराधार है, हमारी कोई बात नहीं हुई। हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए सीतू सेंगर की रिपोर्ट।